अरुगले ले जाएं फिश। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक और सीनरी क्रिएट करने वाले हैं इस तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं आया हूँ पत्नी टॉप में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, कजन्स के साथ और मासी के साथ। अभी जस्ट हम लोग उठ के रेडी हो चुके हैं और टाइम हो चुके हैं सुबह के 10:30। यहाँ का यार जो मौसम था रात को बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया था, क्योंकि रात को बारिश आई काफी ज्यादा और काफी ठंडा मौसम हो गया था, काफी ठंड भी लग रही थी रात को। यार लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग जब वॉलीबॉल खेल रहे थे तो उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद हम लोग अपने रूम्स में आए, फिर थोड़ा अपने गपशप लगाए, टाइम पास किया, तो उस टाइम मुझे व्लॉग करने का याद ही नहीं रहा। अभी हम लोग जिस गेस्ट हाउस, मतलब कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, तो वहाँ पर हम लोग मतलब कि किसी फ्रेंड के थ्रू अरेंज करवाया था ये। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा टूर देता हूँ कि ये कैसा है, बट उससे पहले आप लोग देखो कि हमारा व्यू क्या है यार आज का। ये चेक करो यार, ये व्यू है बिल्कुल ही ज़्यादा खतरनाक वाला। और ये मैंने यहाँ पर लगाया टाइम लैप्स आप सबको दिखाने के लिए, अगर अच्छा बन जाए तो डाल दूंगा, तो मैं नहीं डालूंगा। आपको यहाँ का थोड़ा सा टूर देता हूँ कि हम लोग कैसे कैसे अरेंजमेंट किया था अपने सोने का। ये हमारा एक रूम था, काफी अच्छा, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने सीलिंग करवाई हुई है, दीवारें काफी अच्छी हैं, साथ में अटैच वॉशरूम्स एक हमारा था, एक ये रूम था हमारा और एक ये रूम था हमारा। तो ये तीन रूम्स थे हमारे, और नीचे भी था, लॉबी थी, एक रूम था, और ये मंदिर भी है सामने, तो माथा टेक लीजिए सारे। ये वगैरह कुछ स्टोर रूम वगैरह इनका, और ये थोड़ी सी ओपन स्पेस रखी हुई है। तो बस अभी हम लोग सब रेडी तो हो गए हैं, बाकी सब लोग नीचे चलेंगे, मैं ऊपर ही हूँ बस। तो अभी नीचे जाएंगे, देखते हैं आगे क्या क्या प्लान है। आज एक दो जगह जाने का प्लान और भी है, तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बट ये डर है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि मौसम में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ के मौसम में। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है आज का दिन। तो यार फाइनली हो चुके हैं ब्रेकफास्ट हमारा कम्प्लीट, और अब सामान रखने की बारी है गाड़ी में, उसके बाद निकलेंगे अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो कि है मुझे नहीं पता। वाह यार क्या व्यू है। आज हर्षित कहेगा जो कहेगा, आज सारा व्लॉग हर्षित करेगा। कर देंगे जी, कर देंगे, कर देंगे, पकड़ ले फिर। तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नथाड़ा और सना सर। क्या व्यू है वाह। हाँ तू ऐसा व्यू देखने आए हम। नहीं काफी ज्यादा अच्छा व्यू है, काफी मस्त हवा चल रही है, और बाल तो हमारे एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? सना सर, ये नाम क्या इसका? इसका नाम है चुन्नू। चुन्नू? हाँ, आइसक्रीम ले ली, आइसक्रीम, आइसक्रीम थोड़ी ले। तो यार फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आप सना सर लोकेशन में। सना सर की क्या खास बात है कि ये एक लेक है, मतलब जिस लेक के नाम पर ये जगह का नाम पड़ा सना सर लेक, वो ये लेक है। काफी अच्छी लेक है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गर्मी है यार। हम नथा टॉप में थे, वहाँ पर काफी अच्छा मौसम था, काफी ठंडी हवा चल रही थी और ठंड भी लग रही थी,
बट यहाँ पर गर्मी है तो चलो नीचे तो जाना पड़ेगा। आए हैं तो यहाँ का रास्ता भी थोड़ा ट्रैकिंग टाइप ही करने वाला है, और ये अपनी बाकी टीम है, चल रहे नीचे आहिस्ता देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पे। कर रहा हूँ कुछ आइडिया, थोड़ी देर बैठेंगे टाइम पास करेंगे फिर निकल जाएंगे बस। ये नाइस यार। तो ये लेक है जो मेन लेक है, जिस लेक के नाम पे यहाँ जगह का नाम पड़ा है सना सर। यहाँ पे आप लोग जाओ तो बोटिंग भी कर सकते हो, बोट्स है यहाँ पर, और यहाँ पे फिशेस भी हैं। वाकई यार क्या फिशेस हैं। अरुगले ले जाएंगे फिश। मस्त जोक मारा ये हंस रहे अलकट। आओ आओ आओ। तो अगर आपका 3000 मिनिमम क्वांटिटी है मैंने आपको भेजा है। अगर आपका 3000 तो यार हम लोग यहाँ पर काफी एंजॉयमेंट कर रहे हैं आजकल, क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे सीन्स जो हैं वो फिल्मों के रिक्रिएट कर रहे हैं यार। तो अगर आप लोग काफी सीन्स हैं, ये हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर है और हम दो एक्टर्स हैं, तो आप चाहो तो उसकी रील्स थोड़े दिनों में आ जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप देख लेना, फॉलो भी कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है। और मैं इस पे थोड़े से BTS डाल दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से शॉट्स हैं, कौन सी मूवीज के शॉट। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक और सीन रिक्रिएट करने वाले हैं, इस पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे आगे, और ये हमारे मेन एक्टर होंगे जो फुल ऐनक के अंदर जा रहे हैं, और हम लोग होंगे साइड एक्टर्स, क्योंकि हमारा छोटा रोल है ना। तो ये काफ़ी अच्छी जगह यार, यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, यहाँ पे करेंगे अब शूट। हम कहाँ पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स। कहाँ पढ़ते हो? गुवाहाटी। कोटी? गुवाहाटी। कसम से तूने कोटी नहीं बोला, कसम से गुवाहाटी बोला। यहाँ क्या कर रहे हो? छुट्टियाँ चल रही हैं। जब भी पूछो मुंह उठा के जवाब देते हो, बड़ा इतराते हो, हैं? सच सच बोलो, कॉलेज में नाटक वाटक करते हो, लोगों की नकल उतारते हो, बंगाली आती है? फिर कल रात को यहाँ पे बंगाली में गाना कौन गा रहा था? आमीजे तो माँ छिन छिन छिन, तू मीजे तो माँ छिन छिन छिन। तो यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है हमें शूट करने में, अभी पीछे एक पोर्शन शूट कर रहे हैं हम लोग, काफी मजा आया शूट करने में यार, मतलब ऐसे टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। तो यार काफी ज्यादा चढ़ाई है यहाँ पे, वहाँ नीचे से ऊपर आ रहे हैं चढ़ाई चढ़ते हुए, थक गए काफी ज्यादा यार, बहुत ज्यादा थक गए, आधे वो लोग यहाँ पे, आधे वहाँ पे, आधे वहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं ऊपर, तो बस यहाँ से तो फ्री हो गए, यहाँ कुछ खास था नहीं करने, कुछ थोड़ा बहुत बैठे इंजॉय किया, अब बस निकलेंगे सीधा जम्मू की तरफ यार। बीच में थोड़ी ब्रेक मारेंगे खाने के लिए, उसके बाद निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और अभी टाइम हो गया 1:15। यहाँ पे काफी सारे स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे कि आप लोग पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, यहाँ पे ज़िपलाइन वाला है, यहाँ पे रैबिट्स का फोटो खिंचवा सकते हो आप, अच्छी अच्छी चीजें हैं, टूरिस्ट स्पॉट है तो काफी अच्छी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो यार फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं उधमपुर सिटी के अंदर, और उधमपुर सिटी के अंदर हम पहुंचे हैं मासी के पास। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सीधा घर को, और काफी अच्छे पार्क में से जा रहे हैं हम लोग, काफी अच्छा हरा भरा पार्क है, लेकिन लोग कम है अभी क्योंकि गर्मी ज्यादा ना।